लूका रचित सुसमाचार सातवां अध्याय। जब वह लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया, और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ साथ चला, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं कि आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया, और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया, और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया, और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है, और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। और यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से दो को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है, या हम किसी और दूसरे की बाट देखें। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है, या हम दूसरे की बाट जो हैं। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्टात्माओं से छुड़ाया, और बहुत से अंधों को आंखें दी, और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे, क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे, क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास से रहते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे, क्या किसी भविष्यवक्ता को? हां, मैं तुमसे कहता हूं वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं जो तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया। सो मैं इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं कि वे किसके समान हैं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए
ایک دوسرے سے پکار کر کہتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے، ہم نے ولاپ کیا اور تم نہ روئے، کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والا نہ روٹی کھاتا آیا نہ داکھرس پیتا آیا، اور تم کہتے ہو اس میں دشٹاتما ہے۔ منش کا پتر کھاتا پیتا آیا ہے، اور تم کہتے ہو دیکھو پیٹو اور پیکڑ منش، چنگی لینے والوں کا اور پاپیوں کا متر، پر گیان اپنی سب سنتانوں سے سچا ٹھہرایا گیا ہے۔ پھر کسی فریسی نے اس سے بنتی کی کہ میرے ساتھ بھوجن کر، سو وہ اس فریسی کے گھر میں جا کر بھوجن کرنے بیٹھا، اور دیکھو اس نگر کی ایک پاپنی استری یہ جان کر کہ وہ فریسی کے گھر میں بھوجن کرنے بیٹھا ہے، سنگ مرمر کے پاتر میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس پیچھے کھڑی ہو کر روتی ہوئی اس کے پاؤں کو آنسوؤں سے بھگانے اور اپنے سر کے بالوں سے پوچھنے لگی اور اس کے پاؤں بار بار چوم کر ان پر عطر ملا۔ یہ دیکھ کر وہ فریسی جس نے اسے بلایا تھا اپنے من میں سوچنے لگا، یدی یہ بھوشیہ وکتا ہوتا تو جان جاتا کہ یہ جو اسے چھو رہی ہے وہ کون اور کیسی استری ہے، کیونکہ وہ تو پاپنی ہے۔ یہ سن یشو نے اس کے اتر میں کہا کہ ہے شمون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ بولا، ہے گرو کہے۔ کسی مہاجن کے دو دیندار تھے، ایک 500 اور دوسرا 50 دینار دھارتا تھا۔ جبکہ ان کے پاس پٹانے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو کھما کر دیا، سو ان میں سے کون اس سے ادھک پریم رکھے گا؟ شمون نے اتر دیا، میری سمجھ میں وہ جس کا اس نے ادھک چھوڑ دیا۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک وچار کیا ہے۔ اور اس تری کی اور پھر کر اس نے شمون سے کہا، کیا تو اس تری کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا پرنتو تو نے میرے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہ دیا، پر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگائے اور اپنے بالوں سے پوچھا، تو نے مجھے چوما نہ دیا، پر جب سے میں آیا ہوں تب سے اس نے میرے پاؤں کا چومنا نہ چھوڑا۔ تو نے میرے سر پر تیل نہیں ملا، پر اس نے میرے پاؤں پر عطر ملا ہے، اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے پاپ جو بہت تھے کھما ہوئے، کیونکہ اس نے بہت پریم کیا، پر جس کا تھوڑا کھما ہوا ہے وہ تھوڑا پریم کرتا ہے۔ اور اس نے استری سے کہا، تیرے پاپ کھما ہوئے۔ تب جو لوگ اس کے ساتھ بھوجن کرنے بیٹھے تھے وہ اپنے اپنے من میں سوچنے لگے، یہ کون ہے جو پاپوں کو بھی کھما کرتا ہے؟ پر اس نے استری سے کہا، تیرے وشواس نے تجھے بچا لیا ہے، کشل سے چلی جا۔